हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल संगीता ब्यूटी वर्ल्ड। काफ़ी शॉर्ट हेयर पे भी आप बहुत अच्छे से मल्टी स्टेप्स कट करके दे सकते हैं। चलिए आज के इस वीडियो में मैं सारा प्रोसेस आप लोगों को करके बताती हूँ। तो जब भी आपको शॉर्ट हेयर पे कटिंग करनी हो लेंथ मेंटेन रखते हुए, तो आज का जो प्रोसेस आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। सबसे पहले क्या करेंगे हम, वन लेंथ कट कर लेंगे। आप लोग हमेशा कमेंट में पूछते हो कि वन लेंथ पहले करना चाहिए या फिर बाद में, तो ये डिपेंड करता है कि हेयर की लेंथ कैसी है। जैसे इनके शॉर्ट हेयर है ना, तो हम पहले वन लेंथ कंप्लीट करेंगे, और वन लेंथ के लिए हमें हल्का सा राउंड शेप कट करना होगा, बराबर नहीं, सिर्फ सेंटर पार्ट्स को हम इक्वली कट करेंगे। इस तरीके से देखिए, मैं सिर्फ और सिर्फ अभी आधा इंच के समथिंग कट करूंगी। तो राउंड शेप कट करना है, तो उसके लिए आपको ध्यान क्या रखना है, डीप में आप जो है सीजर को नहीं चलाओगे, इस तरीके से ग्रिप करना है और आपको हल्का सा ट्रिम बस करना है। ये देखिए, और जहां का हेयर है उसको वहीं पे रख के हम कट करेंगे। तो ये हो गया हमारा वन लेंथ कंप्लीट। अब टॉप एरिया को बाउंस देने के लिए हम करेंगे बॉक्स पार्टिंग, जो कि मल्टी स्टेप्स के टाइम पे मैं हमेशा आप लोगों को बताती हूँ कि आपको बॉक्स पार्टिंग करनी है। बॉक्स पार्टिंग मीन्स होता है बॉक्स, जैसे चौकोर, देखिए इस तरीके से। फिर इसी को मेजर करते हुए पीछे लेंगे, और इसी से मेजर करते हुए हम इधर की लाइन को क्रिएट करेंगे। तो ये होता है बॉक्स पार्टी, और इसको हम ऊपर की तरफ ले जाएंगे 90 डिग्री एंगल। और इसको हम थोड़ा थोड़ा सा कट करेंगे। साथ ही करना है जिग जैग, और नीचे डाउन कर देंगे। कटिंग करने वाले हेयर के साथ में इसको ऐसा मिक्स करेंगे। इसको हम एक साथ उठाएंगे क्योंकि लेंथ वाइज, और इसको हम 90 डिग्री पे पहले डालेंगे मल्टी स्टेप्स, मिक्स करके कट कर रही हूँ। गाइड लाइन निकालना है इस कटिंग करने वाले हेयर के साथ, मिक्स करेंगे, फिर से सेक्शन डिवाइड करेंगे। सेक्शन आप अपने हेयर की थिकनेस के हिसाब से कम ज़्यादा डिवाइड कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि जितने पार्ट्स में मैं डिवाइड करूँ उतने भी आप लोग करें। इनके हेयर का जो वो है टेक्सचर बहुत अच्छा है, थोड़ा सा सर्दियों के मौसम में रफनेस आ जाती है, बाकी ठीक है, हेयर हेल्दी है। और इसको हम 90 डिग्री पे
अब शॉर्ट हेयर है तो अगर ये छूट रहे हैं तो इसका आप लोग टेंशन मत ले, इसको आप छूट जाने दें। तो ये तो पीछे से मल्टी स्टेप्स हो गया। अब इस लुक को थोड़ा सा चेंज करने के लिए हम करेंगे फ्रंट हेयर कट। तो फ्रंट से ए सेक्शन डिवाइड करना है और मेरी क्लाइंट को मीडियम टू शॉर्ट लुक चाहिए, तो मैं लिप्स के पास से पहले स्ट्रेट कट करूँगी, उसके बाद ऊपर की तरफ ले जाके इसको हम 2 से 3 बार थोड़ा सा ट्रिम कर देंगे ताकि एक अच्छा सा स्टेप्स नुमा लुक निकल के आ जाए। और यहाँ पर हमारा कटिंग कम्प्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैं इनके बालों पर आउट कर्ल्स करके देने वाली हूँ। तो चलिए अभी आपको मैं फाइनल लुक भी दिखा देती हूँ कि कैसा निकल के आया है। तो आज के बाद जब भी आपके पास में ऐसे काफ़ी शॉर्ट हेयर वाले क्लाइंट हैं तो आप ऐसा स्टेप्स कट करके दे सकते हैं, काफ़ी प्यारा लुक निकल के आ जाता है। और इतनी लेंथ है कि ये जो है क्लच करेंगी तो भी अच्छा लगेगा, या सिर्फ ना टॉप एरिया में बालों को लेके हल्का सा पफ बना लें या क्लिपिंग कर लें, बाकी पूरे हेयर को ओपन रखेंगी तो भी बहुत ही प्रिटी लगने वाला है। आई होप कि सारा प्रोसेस अच्छे से समझ में आ गया हो। और कल मैं आप लोगों के लिए एक और शॉर्ट हेयर की वीडियो लेके आने वाली हूँ जो कि आप सबके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली, क्योंकि अभी के टाइम पे ना मैंने ये देखा कि हेयर फॉल की वजह से लोगों के हेयर काफ़ी ख़राब हो रहे हैं। और वैसे में ना लोग अपना हेयर कट लेने से ऐसा कतराते हैं कि हम कौन सा कटिंग लें, तो उसमें मैं आपको बताऊंगी कितने भी हेयर ख़राब हों कितने भी पतले हों आप बहुत अच्छे से कट करके दे पाएंगे, उनके लुक को चेंज कर पाएंगे। तो बस आप लोग वेट करिएगा। वैसे ये कटिंग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ये देखिए क्लच करेंगे तो भी बहुत अच्छा दिखेगा और ओपन में तो वाओ बहुत ही प्यारा लग रहा है। ओके गाइस, कल मिलती हूँ एक और अच्छी सी न्यू वीडियो के साथ। लव यू ऑल, बाय एवरीवन।